आप सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छा एक हेयर पैक। तो बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं एक हेयर पैक के बारे में बताऊँ, तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक हेयर पैक। एक हेयर पैक एक बहुत ही पॉपुलर वाला हेयर पैक है, बट ये पैक को बनाना भी जानना चाहिए। तो बीच में मैं बता दूं, अगर मेरे बंगाली चैनल को भी अपने सपोर्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर मेरे बंगाली चैनल को भी सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना और वीडियो भी देखना। ज़्यादा वीडियो नहीं आए हैं, एक दो ही वीडियो आए हैं, तो ज़रूर उसको भी देख लेना, लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। चलिए जान लेते हैं कि एक हेयर पैक कैसे बनाया जाता है। वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स के एक हेयर पैक मिलता है, जो कि एक हेयर स्पा क्रीम जैसे बहुत सारे ब्रांड्स के मिलते हैं, बट बहुत कॉस्टली होते हैं। 600 के नीचे तो कुछ भी नहीं होता है, अच्छा सा अगर आप चाहते हो तो आप अगर घर में खुद ही बना सकते हो, सिर्फ एक को आपको परचेस करना होगा। वैसे तो घर में इंक्स वगैरह रहते ही है, जिसमें है बहुत सारे प्रोटीन, और हेयर को भी प्रोटीन चाहिए, हमारे हेल्थ को भी प्रोटीन चाहिए, तो इसी के वजह से हमारे घर में एक तो अभी होना ज़रूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी को भी बिल्डअप करनी है और प्रोटीन के लेवल को भी हमें इंक्रीज करना है। तो इसी के लिए मैं कहती हूँ कि एक एग ले लो। तो अभी इस एग मास्क को बनाने का तरीका देख लो। पहले आपको चाहिए एक एग और एक वाइट चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे एग वाइट लिया जाता है एग में से एकदम ठीक तरह से, तो मैं बता दूँ, एग वाइट लेने के लिए आपको अंडे का जो बाहर का जो इसका शेल है उसके ऊपर एक छेद करना है, किसी भी चीज़ से, छोटा सा नहीं, थोड़ा सा बड़ा सा छेद कर लो और उसको ऐसे कटोरी के ऊपर रखो। ऑटोमेटिकली जो एग वाइट है वो नीचे चला आएगा और इसका जो योक है वो अंदर रह जाएगा। और मैं आपको ये भी बोलूँगी कि योक को कभी भी ना वेस्ट मत करना, उसको उसके लिए भी मैं एक ट्रिक बताऊँगी लास्ट में, उसको क्या करना है वो भी आपके आपके सेल्फ केयर के ही कुछ काम आएंगे। तो अभी जो एग वाइट ले लिया, उसमें मिला दो 3 चम्मच मिल्क, रॉ मिल्क मिला सकते हो या आपके बॉयल करके ठंडा किया हुआ है कोई मिल्क तो वो भी मिला सकते हो, कोई भी मिल्क उसमें मिला सकते हो। उसके बाद उसमें ऐड करना हनी। हनी तो सबके घर में होता ही है, अभी तो इम्यूनिटी बिल्डअप करने की टाइम है तो हनी तो होगा ही घर में, तो हनी मिला लिया। अभी उसमें मिलाओ, अगर घर में बनाना है तो बनाना मिला लो, केला मिला लो, एकदम क्रश करके भी मिला सकते हो या छोटे छोटे पीस में काट के बाद में उसको स्मैश कर सकते हो अपने हाथ से या किसी भी चीज़ से। ये 3-4 चीज़ों को, जैसे कि हो गया एग वाइट, मिल्क और हो गया हनी, ये तो कंपलसरी है, और उसके साथ बनाना। और एक चीज़ इसके साथ ऐड कर सकते हो जो कि एडिशनल है, कोई भी कंपलसरी नहीं है, अगर उसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाल सकते हो तो बहुत अच्छा है, और भी उसमें 2 विटामिन ई का गोली डाल सकते हो तो और भी अच्छा है। मिला लिया, बट कंपलसरी जो चीज़ है बता देती हूँ फिर से, एग वाइट रह गया, उसके साथ हनी और उसके साथ मिल्क मिला लिया, मिला के वो अपने हेयर पे अप्लाई कर लो। तो डेमो दिखाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कैसे अप्लाई करना है, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में डेमो दिखाए हैं। जैसे कि फर्स्ट आपको शैम्पू कर लेनी है पहले दिन, जैसे कि आज मैंने शैम्पू किया, कल मैं ये वाले पैक अप्लाई करूँगी, कल मैं वॉश करूँगी फिर शैम्पू करूँगी, शैम्पू करके उसको वॉश करूँगी, क्योंकि वरना बहुत बदबू रह जाएगा आपके हेयर पर, इसीलिए। तो आप अगर वॉश भी करोगे ना तो उसका जो मॉइस्चराइजेशन है, उसका जो नरिशमेंट है, कुछ भी नहीं जाएगा, एकदम स्टेबल ही रहेगा। तो हो गया, तो ऐसे ही करना है एग मास्क को अप्लाई। तो अप्लाई करने के बाद उसको रख दो 30 मिनट्स, इससे ज़्यादा मत रखना वरना आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम भी हो सकती है। 30 मिनट्स इनाफ है तो 40 मिनट्स रख लेना। रखने के बाद अच्छी तरह से नॉर्मल वाटर से, ज़्यादा ठंडा ना हो या ज़्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल वाटर से अपने हेयर को वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई कर लेना, कोई भी हॉट एयर ड्राई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैंने बताया कि मॉनसून के टाइम कोई भी हॉट एयर ड्राई मत करना, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है तो ये मैंने बता दिया। फिर आपको एयर ड्राई करना है हेयर को, हेयर सूख गया कुछ भी नहीं करना है, वैसे ही छोड़ दो, नेक्स्ट डे शैम्पू फिर से मत करो, उसके बाद उसके नेक्स्ट डे शैम्पू कर लेना, तो हेयर में आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा फर्स्ट वॉश से। अभी मुझे बताना है कि जो योक का क्या करोगे।
योग के साथ कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं मिलाना है। उसको जस्ट एक स्पून से एकदम लिक्विड कर लो, क्योंकि एकदम सॉलिड सा रहता है ना, एकदम स्पॉन्जी सा, तो उसको एकदम लिक्विड कर लो, तो एकदम मेल्ट हो जाएगा ऐसे लिक्विड जैसा। उसको जस्ट फिंगर में लेके अपने फेस पे मसाज करो ऐसे ऐसे, ये लो मास्क सा हो जब हो जाएगा ना, एक मास्क हो जाएगा, एकदम वैसे रखो जितनी देर तक अपने हेयर पे वो पैक रख रहे हो ना, उतनी देर तक फेस पे भी ये योग का पैक रख दो। कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ एकदम चिपचिपा सा रहेगा, एकदम मास्क की तरह रहेगा, ड्राई नहीं होगा ज़्यादा, ऐसे ही रहेगा। उसको जब वॉश करोगे ना, अपने स्किन पे ग्लो देखना, सिर्फ एक चीज़ों से, सिर्फ योग से क्या हो सकता है, ब्लैकेट स्वेटर्स के प्रॉब्लम्स भी दूर होते हैं। वैसे भी मैंने लास्ट डे एक ब्लैकेट स्वेटर्स के ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो वो भी अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। ओके, तो यही बताना था एक वाइट हेयर मास्क के बारे में, और उसके साथ एक तो कम्प्लीमेंटरी हो गया फेस मास्क जो है, तो यस ये कम्प्लीमेंटरी होता है क्योंकि योग बच जाते हैं हम लोगों के, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है तो वो वेस्ट कर देते हैं योग को। वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो हमें मिलता है ना, जो ऐसे ही हम खाने वाले चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने सेल्फ केयर के लिए, हेयर केयर, स्किन केयर के लिए, बॉडी केयर के लिए, उसके हर एक पार्ट हम अपने केयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्किन, हेयर, ऐसे ही हम DIY बना के खुद से ही अलग अलग DIY ट्राई करो ना, कुछ भी नहीं होता है, ऐसे वेगन चीज़ों से ना कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, जो नेचुरल चीज़ होती है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होती है, सिर्फ लेमन से थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों को ना लेमन सूट नहीं होता है। वैसे भी उस दिन भी मेरा लेमन एसेंशियल ऑयल सूट नहीं हुआ था, मैंने एक पैक में डाल दिया था तो यहाँ पे एकदम रेडिश हो गया था यहाँ पे, तो उसके बाद ठीक हो गया, थोड़ी देर में मैंने एलोवेरा जेल लगा दिया था, ठीक हो गया। अभी जो बात बतानी है कि जो लोग रिसेंटली स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग किए हैं, केमिकली ट्रीटेड हेयर है, रिसेंटली किया है, जैसे एक दो महीने में किया है, वो लोग ये मास्क ट्राई मत करना, एकदम भी नहीं। मैंने किया था, मैंने जब लास्ट बार, ये बार, इस बार तो आपने देखा है कि मेरी मम्मी ने मेरा स्मूथनिंग कर दिया था घर में ही, मैंने न्यूट्रलाइज़र और हेयर क्रीम खरीद के खुद किया था, क्योंकि बाहर तो नहीं जा पा रही थी, लॉकडाउन था, तो घर में किया था। देखो एकदम ही स्ट्रेट है, इतना ही मुझे चाहिए था, स्मूथनिंग चाहिए था, तो वैसा ही हो गया मेरा, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। तो जिन लोगों ने केमिकली ट्रीट किया है अपने हेयर को, वो लोग मत यूज़ करना। तो मैंने जब सेकेंड टाइम किया था ना स्मूथनिंग पार्लर से, उसके वन मंथ बाद मैंने, वन एंड हाफ मंथ के बीच में मैंने किया था ये एक मास्क को ट्राई, पता है मेरा हेयर इतना ज़्यादा रफ हो गया था, रफ होने का कोई चांस ही नहीं था अगर मैं अपने नॉर्मल हेयर पे लगाती तो केमिकली ट्रीटेड हेयर के साथ ये वाले पैक नहीं जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। तो इसके लिए आपको केमिकल ही लगाना पड़ेगा, जैसे कि कोई अच्छा सा हेयर मास्क लगाओ, कुछ ना कुछ तो केमिकल्स होती है ना हेयर मास्क, जितना भी वेगन हो या नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ हो, थोड़ा थोड़ा तो होती ही है, वरना कैसे इतना ज़्यादा अच्छे से काम कर लेता है वो सब। तो सारे हेयर मास्क के डिटेल्स तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, कौन से सीजन में आपको क्या लगानी चाहिए हेयर पे, हेयर पैक की तरह, तो वो भी ज़रूर देख लेना। तो अगर आपको आज का वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे बंगाली चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो खत्म करते हैं आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेरी गुड बाय, टेक केयर।